फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो एक करोड़ तक हर दिन. ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट. जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट. विनिंग डन राइट ओनली ऑन फैन फाइट. दोस्तों, डेब्यू मैच में ही ईशान किशन का आया तूफान, इंग्लैंड की टीम की कर दी जमकर धुलाई. तो वहीं पर ईशान किशन का अर्धशतक पूरा होते ही विराट कोहली ने किया कुछ ऐसा कारनामा, जीत लिया करोड़ों लोगों का दिल. स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस T20 मुकाबले को अपने नाम कर लिया. दोस्तों, टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. उसके बाद विराट कोहली ने कुछ उनके साथ ऐसा किया जिसे देखकर शायद आप हैरान होंगे. दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें. दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 14 फरवरी को शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. तो वहीं पर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में एक बार फिर से रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया गया. इसके अलावा दोस्तों, इस मैच में भारत की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का डेब्यू हमें देखने को मिला. दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में जॉस बटलर और जेसन रॉय बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे. दोस्तों, इनिंग्स के पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय टीम को सफलता दिला दी. जॉस बटलर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. हालांकि इसके बाद जेसन रॉय और विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलान ने मिलकर इंग्लैंड के पारी को संभाला और पावर प्ले तक 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन बनाए. दोस्तों, इसी के साथ 9वें ओवर में चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए युजवेंद्र चहल ने डेविड मिलान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ जेसन रॉय बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और इसी के साथ 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने 83 रन बनाए. और इसके बाद 12वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने जेसन रॉय को 40 रन के स्कोर पर चलता कर दिया. दोस्तों, इसी बीच जॉनी बेरस्टो और इयन मॉर्गन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और कुछ बड़े शॉट खेले और इसी के साथ 15वें ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने 129 रन बना लिए थे. अब दोस्तों, 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान इयन मॉर्गन का विकेट हासिल किया. इसी के साथ 20वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेन स्टोक्स का विकेट लिया और दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने अपने पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए. दोस्तों, भारतीय टीम के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा. दोस्तों, अब इसके जवाब में भारतीय टीम की तरफ से एक नई सलामी जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी. दोस्तों, भारत की तरफ से केएल राहुल और ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आई और इसके साथ ही ईशान किशन का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू मैच था. दोस्तों, टीम इंडिया की पारी की शुरुआत हुई लेकिन इनिंग्स के पहली ही ओवर में भारतीय टीम का पहला विकेट गिर गया. दोस्तों, केएल राहुल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इसी के साथ पहला ओवर सैम करन ने मेडन ओवर फेंका, लेकिन दोस्तों असली तूफान तो इसके बाद देखने को मिला. जी हां दोस्तों, विराट कोहली और ईशान किशन की जोड़ी ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को बेहतरीन ढंग से संभाला. 5 ओवर में भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए थे. अब इसके बाद 6 ओवर से ही ईशान किशन का तूफान शुरू हो गया. दोस्तों, 6 ओवर में ईशान किशन ने टॉम करन को 2 चौके और 1 छक्का जड़ा. वही इसके साथ 7वें ओवर में विराट कोहली ने फ्री हिट पर छक्का लगाया तो ईशान किशन ने भी इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाया. दोस्तों, इसी के साथ 7वें ओवर में भारतीय टीम ने 17 रन बटोरे. दोस्तों, 9वें ओवर में भारतीय टीम मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिए थे. दोस्तों, एक तरफ विराट कोहली अपने खोए हुए फॉर्म में वापस लौट आए थे तो दूसरी तरफ ईशान किशन अपने डेब्यू T20 मैच में अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे. इसके बाद दोस्तों, 10वें ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर ईशान किशन ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. दोस्तों, 22 साल के ईशान किशन कितने बेखौफ थे इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना 50 छक्का लगाकर पूरा किया. दोस्तों, आदिल रशीद की गेंद पर उन्होंने बिना डरे छक्का लगाया और अपना अर्धशतक बनाया. ईशान किशन को ऐसा करते देखकर विराट कोहली भी खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए. दोस्तों, विराट कोहली ईशान किशन के पास गए और उनके हेलमेट पर पंच करते हुए उनका हौसला बढ़ाया. दोस्तों, विराट कोहली के इस काम को देखकर पूरी दुनिया अब
विराट कोहली की तारीफ कर रही है और इसी काम की वजह से कप्तान विराट कोहली ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, युवा खिलाड़ियों को हौसला देना वही तो एक कप्तान का काम होता है जो कि विराट कोहली ने किया है। दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन आदिल रशीद की गेंद पर LBW आउट हो गए। दोस्तों डेब्यू T20 मैच में ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए। दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे। 12वें ओवर में भारतीय टीम ने अपने 100 रन पूरे किए और इसी के साथ इस ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला। दोस्तों देखते ही विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। इसी के साथ 13वें ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए थे। अब दोस्तों इसके अलावा ऋषभ पंत 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 26 रन के स्कोर पर आउट हो चुके। जी हां दोस्तों, इसके बाद क्रिस जॉर्डन ने ऋषभ पंत को आउट किया। इसके बाद इसके अगले ही ओवर में विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों विराट कोहली ने 35 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ विराट कोहली T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। अब दोस्तों 15वें ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 143 रन हो चुका था। अब भारतीय टीम को 18 गेंद पर मात्र 11 रनों की जरूरत थी और इसी के साथ 18वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। भारतीय टीम ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया और सीरीज को 1-1 से बराबर भी कर लिया। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ईशान किशन को दे दिया गया। दोस्तों इसे में ईशान किशन को लेकर और खास तौर पर टीम इंडिया के जीत को लेकर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें और दोस्तों फैन फाइट के ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो 1 करोड़ तक हर दिन। ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। Jito 20x more on every contest. Winning done right, only on Fan Fight.